गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कवि रस खान का सवैया पढ़ेंगे। कवि रस खान रीतिकालीन रीतिमुक्त धारा के कवि थे। उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। वे अकबर के समकालीन थे। विट्ठल नाथ से प्रेरित होकर रस खान श्री कृष्ण का यशोगान करने लगे, कृष्ण की भक्ति करने लगे और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर ही वे ब्रजभूमि में जाकर बस गए। कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण उन्हें रस की खान कहा जाने लगा, अर्थात रस खान कहा जाने लगा। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका है, जो ब्रज भाषा से प्रभावित है। प्रस्तुत सवैये में रस खान कवि ने श्री कृष्ण के जन्म स्थान और उनसे जुड़ी वस्तुओं के बारे में और उनके निकट रहने के लिए अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्बे की धारण। रस खानी यानी रस की खान, अर्थात रस खान को कहा गया है। ग्वारन ग्वालों को कहा गया है। मझारन माने बीच में, पाहन माने पत्थर, गिर माने पर्वत, पुरंदर इंद्र को कहा गया है, खग माने पक्षी, कालिंदी यमुना को कहा गया है, कुल माने किनारा। कवि रस खान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी कि हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, अर्थात इस जन्म के बाद पुनः मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हे ईश्वर, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्बे की डारन। और हे ईश्वर, यदि पक्षी के रूप में, खग के रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित उसी कदम की डालियों पर निवास करूं, जिस पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते हैं। फिर से देख लीजिए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रस खान जी कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, यदि इस जन्म के बाद मुझे दोबारा मानव का जन्म मिले, मनुष्य योनि मिले, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं, उनके साथ ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मुझे पशु का जन्म मिले, पशु के रूप में मेरा जन्म हो, जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को,
जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और हे ईश्वर, यदि इस जन्म के बाद पत्थर के रूप में मैं जन्म लूँ, पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्ब की डारन। और यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, हे ईश्वर, इस मानव जन्म के बाद यदि मुझे पक्षी की योनि प्राप्त हो, पक्षी का जन्म मिले, तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित, यमुना नदी के किनारे स्थित उन्हीं कदम के वृक्ष की डालियों पर निवास करूं, जहां पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे।